हे गाइस, दिस इज सौरभ एंड यू आर वाचिंग इंस्पेक्शन प्लान। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमेशा की तरह अलग होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एक व्हाट्सएप सिक्योरिटी से रिलेटेड, कैसे आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर कर सकते हैं। और ये सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन है बहुत जरूरी है आने वाले टाइम में और अभी के टाइम में देखा जाए तो। और जो व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम आप देखते होंगे, कभी भी आप ओपन करते होंगे तो फ्रॉम फेसबुक करके टैगलाइन लिखी आती है जब भी आप उस पेज को उस ऐप को ओपन करते हैं। यानी कि फेसबुक ने धीरे धीरे हर चीज में अपनी पकड़ बना ली है और हर चीज को बाय करते जा रहा है, हर चीज को अपनी मार्केटिंग में जोड़ते जा रहा है। जैसे पहले व्हाट्सएप दूसरी कंपनी का था, लेकिन बाद में फेसबुक ने उसे खरीद लिया है, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने, और उन्होंने इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया है। तो धीरे धीरे एक जो सिक्योरिटी का प्लेटफॉर्म है वो भी इन चीजों से दूर होते जा रहा है। यानी कि आपका जो पर्सनल डाटा है और जो मतलब आपकी चैट हिस्ट्री है, सारी बहुत ही सिक्योर होनी बहुत जरूरी है। और आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि काफी हैकर इतने एक्टिव हो चुके हैं इंडिया में खासकर, तो वो आपका डाटा आसानी से चुरा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो बनाइए, कैसे आप अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं, कैसे अपने मैसेजिंग ऐप को एक सिक्योर कर सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं। कोई भी, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर व्हाट्सएप हो, वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, कोई भी डिटेल आपसे स्किप ना हो पाए। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो शेयर करना मेरे दोस्तों के साथ। तो गाइस, आपको बताऊं कि मैं व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा यूजर्स वो अभी इंडिया में है, और तो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 34 करोड़ यूजर्स इंडिया से हैं। और सबसे जो कम यूजर है व्हाट्सएप के वो ब्रिटेन में है, 2.76 करोड़ के लगभग। और पूरे देश भर में, दुनिया भर में व्हाट्सएप के 1.5 अरब यूजर्स एक्टिव थे, लेकिन अब 2020 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के अनुसार इनकी संख्या 2.0 यानी कि 2 अरब से भी ऊपर की होने लग गई है। और जो धीरे धीरे 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 34 करोड़ भारतीय यूजर्स व्हाट्सएप के थे, और वो अब धीरे धीरे 40 करोड़ हो चुकी है। यानी कि मोस्ट एक्टिव यूजर्स इन व्हाट्सएप फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया से सबसे ज्यादा यूजर्स व्हाट्सएप यूजर्स हैं। तो सिक्योरिटी का भी मामला सबसे आगे आता है। और आपको बता दें कि जब से फेसबुक ने इन चीजों को खरीदा है, यानी कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को अपने मार्केट में जोड़ा है, अपने फ्रॉम फेसबुक करके जो टैगलाइन उन्होंने दी है, जब भी ऐप ओपन करते हो या कोई ब्राउजर पेज ओपन करते हो तो उसमें फ्रॉम फेसबुक लिखा आता है। अक्टूबर के लगभग ये बात चली थी 2020 में कि जो फेसबुक का डाटा है और व्हाट्सएप का डाटा है और इंस्टाग्राम का डाटा है, वो सारा एक ही साइलो में बंद होने वाला है, मतलब एक ही साइलो में सारा कलेक्ट होगा डाटा। साइलो का मतलब ये होता है कि अगर आप मतलब जो भी कंपनियां, जो भी आप अगर व्हाट्सएप में चैट करते हैं, इंस्टाग्राम में कोई चैट करते हैं या फिर फेसबुक में कोई भी चैट करते हैं, तो सारा डाटा कंपनी के पास सेव रहता है। यानी कि जो साइलो में वो सेव रहता है, तो साइलो उस डाटा को सेव करने का काम करती है। और पहले से ऐसा होता था कि फेसबुक का और व्हाट्सएप का और इंस्टाग्राम के साइलो सबके अलग अलग थे, लेकिन 8 फरवरी से 2021 में कंपनी ऐसा सोच रही है कि तीनों के साइलो को खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि एक यूजर का तीनों का साइलो एक ही होगा, मतलब एक यूजर का एक साइलो होगा। पहले से 3 साइलो होते थे अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूज करते हैं तो, यानी कि एक बंदे के, एक यूजर्स के 3 साइलो होंगे और सब में डाटा अलग अलग सेव होगा। बट अब ऐसा नहीं है, कंपनी सोच रही है कि तीनों के, मतलब एक यूजर्स के साइलो को एक ही एक साइलो दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई व्हाट्सएप यूज करता है तो उसका एक ही साइलो होगा, उसी में फेसबुक का डाटा सेव होगा, उसी में आपका इंस्टाग्राम का डाटा सेव होगा। इससे सिक्योरिटी और जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन जो व्हाट्सएप लागू करता है, उसमें प्रभाव ये पड़ने वाला है कि अगर आप मतलब व्हाट्सएप में कोई नंबर आपका एक्टिवेट है, यानी कि व्हाट्सएप जिस नंबर से आपको बनाया है, तो फेसबुक इसे ट्रैक कर सकता है कि ये नंबर से आपके फेसबुक में कौन से आईडी या किस नाम से आप एक्टिव हैं। तो इससे काफी डाटा का लीकेज है, क्योंकि कंपनी कहती है कि कोई भी डाटा का लीकेज नहीं है, बट ऐसा 100% होता नहीं है। कंपनी के पास डाटा रहता है और आपकी, अगर आप व्हाट्सएप में कोई भी चैट करते हैं, कोई भी ग्रुप है, कोई भी सोसाइटी से रिलेटेड इशू है, सारी चीजें व्हाट्सएप के पास रहती है, फेसबुक के पास रहती है, और ऊपर से एक ही साइलो बनने जा रहा है, जिससे कि सारा सिक्योरिटी, अगर एक भी नंबर आपके पास है, उस नंबर से ही सारी डिटेल, फेसबुक में किस नाम से आपकी आईडी है, तो सारी डिटेलें कंपनी के पास पहुंच जाएंगी। और किस ग्रुप में आप ऐड हैं और किस तरीके की बातें आपकी ग्रुप में चल रही हैं, तो सारा डिस्कशन हर कंपनी के पास ट्रैक होने वाला है। तो बी अलर्ट, और अगर इससे आपको बचना है तो आपको मेरे हिसाब से अलग से एक सिम कार्ड बाई करना चाहिए, और उस सिम कार्ड से सिर्फ व्हाट्सएप ही या इंस्टॉल करना चाहिए, जिससे आप व्हाट्सएप एक्टिव कर सके, और उससे कोई अदर्स आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि अगर आप जिस नंबर से व्हाट्सएप में आईडी बनाते हैं, उसी से आपका बैंक में भी वही नंबर लिंक होने वाला है। तो बैंक में अगर नंबर लिंक हुआ तो सारी कार्ड की डिटेल्स है, बैंक की जो ट्रांजेक्शन है, सारी कंपनी के पास पहुंच जाएंगी। तो ये धीरे धीरे एक सिक्योरिटी बहुत लीकेज
प्रॉब्लम होने वाली है, तो आपको अलर्ट रहना चाहिए और सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जैसे भी आपको कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन अलाउ करने को होती है, तो आपको आसानी से उसको आसानी से अलाउ नहीं करना है, आपको देखना है कि वो किस बारे में है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तभी आपको उस चीज़ को अलाउ करना है। यही इस वीडियो से बताने की कोशिश कर रहा था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जितनी शेयर वीडियो होगी लोगों को उतनी ही यूजफुल, मतलब उतना ही फायदा होगा, और वो जान पाएंगे कि कैसे अपने डाटा को सिक्योर करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।